भाई साहब, अब मैं दार्जिलिंग में हूँ। आई लव दार्जिलिंग लिखा हुआ है और ये स्टेशन है भाई साहब, बताओ। इस तरह स्टेशन है कलकत्ता में, मस्त है भाई साहब। ये स्टेशन है कुछ इस तरह है, स्टेशन मस्त एकदम, बहुत अच्छा है। मैंने सोचा, कभी सोचा नहीं था इतना पूरा स्टेशन भी होगा यहाँ पर भाई साहब। जहाँ तक ट्रेन नहीं आता है ना, वहाँ तक ट्रेन आता है भाई साहब। ये सुबह 9 बजे निकलेगा यहाँ से ट्रेन, और कुछ इस तरह। गैंगटोक से बहुत ज़्यादा ठंड है भाई साहब यहाँ पर। गैंगटोक में कम ही ठंड है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, और कुछ इस तरह है, देख सकते हो आप। ये एक इस तरह ट्रेन चलता है, ये छोटा वाला लोकल भी चलता है और सिलीगुड़ी तक जाता है ये ट्रेन। मस्त इसमें बैठो 9 बजे और सिलीगुड़ी में पहुंच जाओ। लेकिन 4-5 घंटा लगाएगा, क्योंकि घूम घूम के जाना पड़ता है यहाँ, इसको घूम घूम के जाता है ये, क्योंकि वो रोड ही वैसा है भाई साहब, घूम घूम के ही जाना पड़ेगा। और ये लोकल का दिखा देता हूँ मैं, वो कैसा पटरी है यहाँ पर, ऐसा कुछ पटरी है यहाँ पर, लोकल पटरी इतना ही, इतना छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, इतना छोटा, यहाँ देख सकते हो इतना ही छोटा है भाई साहब। कुछ इस तो है दार्जिलिंग, कल दार्जिलिंग में घूमूंगा, कल दार्जिलिंग घूम के फिर चला जाऊंगा। ये कुछ इस तरह ट्रेन है भाई साहब। अब ख़त्म हो गया स्टेशन, ये दो लड़की घूम रही है भाई साहब, कुछ इस तरह है। राइट को मस्त दिस एरिया यूज सीसीटीवी, अंडर सीसीटीवी लगा हुआ है भाई साहब। DHR दार्जिलिंग इस तरह था, कुछ ऐसा है, मस्त एकदम। ट्रेन को देखते ही ना, बहुत क्यूट है यार ट्रेन, तो मस्त है। C1 लिखा हुआ है ट्रेन के अंदर, कुछ इस तरह है भाई साहब सीट। आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, बट ये है। मस्त है, मैं रूम पे जाऊंगा, अभी सो जाऊंगा, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ। ये कुछ इस तरह भाई साहब, सिलीगुड़ी जाएगा, सिलीगुड़ी लाइफ है, सिलीगुड़ी कुछ 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 उसे, इस तरह साउंड होगा इस ट्रेन का भाई साहब। कभी देखा है इस तरह ट्रेन? मैंने देखा था, बट क्या है कि अभी वो हो जाएगा ना, मालूम हो जाएगा। कुछ इस तरह ट्रेन है भाई साहब यहाँ पर, तो मस्त। और वेटिंग रूम दिखा देता हूँ मैं। वेटिंग रूम मतलब ताला मारा, ताला लगा हुआ है वेटिंग रूम इस तरह भाई साहब। वेटिंग रूम, हो बहुत बढ़िया। कल सुबह मिलते हैं गाइस, आज रात हो गया बहुत, मैं थक कर भी बहुत ज़्यादा आ गया हूँ, तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं है, रखता हूँ, कल सुबह मिलते हैं, बाय बाय। ट्रेन, ये ट्रेन शायद सुबह के लिए तैयार किया जा रहा है गाइस, देखो सुबह के लिए तैयार किया जा रहा है अभी से। अभी तो नहीं जाएगा वो ट्रेन, सुबह ही जाएगा, सुबह के लिए काम कर रहे हैं अभी से, फिर सुबह निकलेगा। मैं आप लोगों को मेरा रूम दिखा देता हूँ भाई साहब। इस रूम पे रुका था मैं, दिखा दूंगा अभी। ये मेरा सामान वगैरह कुछ निकाल लिया, यहाँ से मैं चेकआउट कर लिया, अब जाऊँगा। ये कुछ ऐसा रूम है मेरा, ऐसा रूम, और ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और ये बाहर से कुछ ऐसा व्यू है भाई साहब, बाहर से कुछ ऐसा व्यू है, और ज़्यादा ही ठंड है भाई साहब, 4 डिग्री यहाँ का। और ये बाथरूम है इस तरह, ठीक ठाक है, 500 रुपया है यहाँ से, और यहाँ नहाने धोने का और यहाँ लटकने का मिल जाता है। एक ये जोन रुका था मैं, हालांकि यहाँ तीन 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 लोग आराम से सो सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। इस तरह लाइट है भाई साहब यहाँ पर। ये कुछ ऐसा रूम था, और मैं इस होटल का नाम बता दूंगा, अगर आप लोग आना चाहते हो तो आ सकते हो यहाँ पर। ये इनका मालिक है, हाँ हाँ, ये भाई साहब यहाँ का न्यू स्टार। दार्जिलिंग में आना चाहते हो तो आ सकते हो, ये फ़ोन नंबर है, ये फ़ोन नंबर काम करता है ना,
हाँ इस फोन नंबर पर कांटेक्ट करके आ सकते हो आप लोग। बहुत अच्छा है रूम और स्टेशन के पास ही है, कोई दिक्कत वाली कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, सीधे बस पकड़ के चालू जाऊँगा सिलीगुड़ी। अब मैं रखता हूँ भाई साहब, अब मैं निकल रहा हूँ। ये रूम था मेरा, ये पीछे से कुछ ऐसा है होटल न्यू स्टार फूड एंड लॉज, आप सब मिल जाएगा यहाँ पर सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चीप है, 500 रुपया लिए हैं। वो रूम तो देख लिए हैं आपने, बहुत अच्छा था, मस्त था। ऐसा बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर तो। बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा मुझे, थोड़ा ऊपर है, अब मैं नीचे जाऊंगा। हालत तो बहुत ज्यादा खराब है भाई साहब, बहुत ही ठंडे हैं यहाँ पर तो। गैंगटॉक से बहुत ज्यादा ठंडे है, गैंगटॉक से, गैंगटॉक थोड़ा नीचे है, ये थोड़ा ऊपर है। वो बोल रहे थे कि 2000 फीट उससे भी ज्यादा ऊपर है, ये उससे 2000 फीट ज्यादा ऊपर है ये भाई साहब। ओहो मुँह से हवा निकल रहा है, धुआं धुआं। ओहो मैं चलता हूँ, आप लोग को स्टेशन दिखा दूंगा यहाँ का। छोटा सा ट्रेन जा रहा है यहाँ से, लोग कुछ इस तरह है भाई साहब, बहुत ज्यादा ठंडे है लोग, ऐसे 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 उठा के लेते हैं भाई साहब यहाँ पर सामान ऊपर तक, जहाँ तक घर दिख रहे हैं ना वो ऊपर तक भी लेते हैं जो लोग रुकते हैं। और ये चर्च है भाई साहब, ये चर्च कुछ इस तरह है, आप लोग पढ़ सकते हैं। एसटी कुलालुम्बा चर्च है ये, 1870 में हुआ था ये भाई साहब। और ये शहर भाई साहब, शहर दिखा देता हूँ मैं, वो देखिए घर सब पहाड़ के ऊपर ही है यहाँ पर सब। एक कुत्ता भाई साहब, मैं नीचे थोड़ा सा नीचे हूँ, थोड़ा नीचे आ जाऊंगा। हो ऊपर की तरफ से आ रहा था मैं भाई साहब। यहाँ पर लोग तो कुछ ज्यादा ही ठंडे, देखते हैं आगे जाके। पैर कांप रहा है मेरा, गर्म पानी मांग लिया मैंने उनको, अब मैं निकल जाऊंगा। हो आगे निकल कर बस जाएगा तो बस से नीचे चला जाऊंगा। और ये स्टेशन है गाइस, स्टेशन आप लोगों को दिखा दूंगा घूम घूम के। सुबह एक ट्रेन गया था, अभी ट्रेन जाएगा कि नहीं पता नहीं, सब ट्रेन चला गया होगा, फिर भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को वो स्टेशन भाई साहब। यहाँ का कुछ हाल हाल चाल चले, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग है ये। गाड़ी वगैरह जा रहे हैं, कुछ लाइट वगैरह है और कुछ इस तरह है भाई साहब। ये स्टेशन है, मौसम देखो गाइस बहुत अच्छा है मौसम। और ये स्टेशन, आई लव दार्जिलिंग, यहाँ पर तो फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं ये लोग। और ये स्टेशन कल मैं आया था रात को, बट खुला नहीं था सब कुछ, अब खुला है भाई साहब यहाँ पर तो सब कुछ खुला है। और ये स्टेशन रोड है, यहाँ टिकट काउंटर है, वहाँ बातचीत करके कर सकते हो आप लोग। ओहो बहुत ज़्यादा ठंड है। ये स्टेशन है गाइस इस तरह। और यहाँ का मौसम देखो बहुत अच्छा है, लोग सब आराम से रहते हैं यहाँ पर। अब मैं थोड़ा पैदल चल के आया था तो अपना ठंड रिजर्व हो गया, मुँह से अभी भी हवा निकल रहा है, 11 बज गया अभी। ये छोटा सा ट्रेन है गाइस, ट्रेन इस तरह है, ट्रेन है, बच्चे लोग खेल रहे हैं और सब जा रहे हैं यहाँ से। बच्चा सब बच्चे लोग सब यहीं से घूम अब ये ट्रेन का कुछ हिस्सा है इस तरह। अब मैं ठीक है गाइस, आप लोगों को स्टेशन दिखा दिया, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। Thank you.
ट्रेन ना जाने के लिए ये सब तैयारी हो रहा है। बस अब ट्रेन को तैयार कर रहे हैं वहाँ पर स्टार्ट करके। रात भर चलता रहता था वहाँ पर, ये धुआं में देखो किस तरह हो गया काला काला काला। वहाँ पर ट्रेन रुकता है, वहाँ पर ट्रेन का मुंडी जो इंजन होता है ना, वो इंजन है यहाँ पर काम कर रहे हैं वो लोग। ये कुछ इस तरह है गाइस स्टेशन। और लोग बैठ के यहाँ से निकलते हैं और सिटी भी सिटी और ये सिटी ट्रेन भी है यहाँ पर, सिटी घूम सकते हो यहाँ से। तो मेरा थोड़ा टाइम नहीं है, कुछ काम है मैं इसलिए मैं जा रहा हूँ, नहीं तो यहाँ 2-3 दिन रुकता मैं। आप लोगों को फिर से दिखा दूंगा यहाँ पहाड़ एरिया में कैसे रहते हैं लोग। ऐसा अभी अभी धूप पड़ा है, 11 बज गया, अभी अभी धूप पड़ा है। हाँ बात कर रहे हैं वो। ये गाइस कुछ इस तरह है, कबूतर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो अब मैं चलता हूँ वो गैस स्टेशन के पास, गैस स्टेशन से मुझे बस या कुछ मिल जाएगा। वो लोग तो बोल रहे थे आधे घंटे के बाद यहाँ से बस जाता है, अगर हो सके तो बस से जाऊँगा, नहीं तो मैं कहीं से भी निकल जाऊँगा, पता नहीं क्या करूँगा, बट मैं चलता हूँ। और ये लोग यहाँ से ऐसे रहते हैं गाइस, ये थोड़ा ऊपर है और ये नीचे तक जाता है घर, देख सकते हो आप लोग, मस्त एकदम नज़ारा कुछ मस्त है। अब मैं रखता हूँ बस में बैठ के आप लोगों से बात करता हूँ, अब मैं चलता हूँ। ओहो ज़्यादा ही ठंड है। ये दार्जिलिंग का मार्केट है भाई साहब, कैसा मस्त नज़ारा है ना। मुझे रुकने का था वो क्या करें, ये मछली बाजार है, यहाँ लोग मछली बेच रहे हैं, मछली बाजार है ये। और फ्रूट्स भी मिल जाएगा यहाँ पर, मछली है कैसे काट के रखे हैं, पूरे मछली है यहाँ पर, तो बड़ा बड़ा मछली है। हमें थोड़ी दूर जाता हूँ चल के, ऊपर से जाता है सिलीगुड़ी को, और ट्रैफिक वाला आया से पूछूंगा मैं, पूछ के आप लोगों से फिर बात करूँगा, उनसे पूछूंगा कि सिलीगुड़ी का रास्ता कहाँ से है। सिलीगुड़ी का रास्ता ऊपर से जाता है शायद, वो लोग बताया था, बट फिर भी मैं पूछ लूँगा। ओहो वो वाले भाई साहब को पूछूंगा मैं। कुछ इस तरह है, यहाँ से डिवाइडर होता है सिलीगुड़ी का रास्ता ऊपर से ना, यहाँ से निकलेगा वन डे। हाँ वहाँ ऊपर से ना, थैंक यू। ऐसे सिलीगुड़ी जाता है, सिलीगुड़ी से मुझे डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगा, अगर हो सकता भुवनेश्वर निकल जाऊंगा अपने उड़ीसा, नहीं तो मुझे कलकत्ता जाके फिर कलकत्ता से मैं चला जाऊंगा उड़ीसा। और इस तरह कुछ है, ये बस वगैरह जाएगा। ग्यारह बजे भी लोग आग लेके थोड़ा गर्मी सेक रहे हैं यहाँ पर तो। और ये मस्त है भाई साहब, थोड़ा आगे जाऊँ ना, थोड़ा आगे जाके हिचाई कर लूँ क्या, नहीं यार हिचाई क्यों करूँ, हिचाई करने के लिए मुझे शुभम भाई और हमारा क्या है वो, अरे भूल गया मैं, सीखना पड़ेगा उनसे। शहर है कुछ ऐसा है, मौसम मत बहुत अच्छा है भाई, थोड़ा आगे जाऊंगा, आगे जाके रुक जाऊंगा, रुक के फिर मैं बस ले लूँगा, आधा घंटे का बस आएगा शायद। वो लोग तो बोल रहे थे 11 बजे बस आएगा, इसलिए मैं निकल गया यहाँ से। ओहो ये दार्जिलिंग का नज़ारा है भाई साहब, मस्त है एकदम, बट ठंड है। और समर में आओगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, समर में तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि
यहाँ थोड़ा ठंड रहता है। अभी अभी धूप निकला है यहाँ से, समर में तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा दूर जाऊंगा, सांस फूल गया मेरा इतना चढ़ाई चढ़ के। और भी है थोड़ी दूर जाके रुक जाऊंगा वहां पर, और कौन चलेगा। भाई साहब पग में बैठ गया ये भाई ड्राइवर भाई साहब है ये। अब हमको लेके चले गए सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से सीधा मेरा ट्रेन है, ट्रेन से निकल जाऊंगा। जाते जाते ये आपको दार्जिलिंग का थोड़ा नज़ारा दिखा दूंगा। ये कुछ इस तरह नज़ारा है भाई साहब, ये मस्त एकदम बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। ये पहाड़ के ऊपर है ये, अब ना हम पहाड़ ही चल रहे हैं। भाई साहब इस गाड़ी पे आए थे मैं, और ड्राइवर भैया ने खाना खाने गया है इस ढाबे पर। अब हम यहाँ पर हैं और एक घंटा लगेगा, और एक घंटे के बाद हम निकल जाएंगे सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से फिर मुझे न्यू जलपाई भी जाना है। देखते हैं, ट्रेन तो है शाम तक, ट्रेन है कोई बात नहीं, ट्रेन का कोई इशू नहीं। यहाँ पर यही चलता है भाई साहब, ये जीप जैसे यहाँ पर आके रख दिया है। पहाड़ के उस ऊपर तक थे, हम नीचे आए हैं, बताओ कितने इतना ऊपर। यहाँ पर थोड़ा ठंड कम है, ठंड नहीं लग रहा है यहाँ पर तो। और कुछ इस तरह ना जा रही है, और भी नीचे जाना है हम लोगों को। नीचे होते 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 जाएंगे, और ये भाई साहब कुछ इस तरह है हमारा। यहाँ खाने के लिए कुछ मिल रहा है क्या, देखी नहीं है अभी तो, मुझे खाना नहीं है क्योंकि सुबह मैंने खा लिया था। अब देखता हूँ सब रेस्ट के लिए है, नी भी पेन कर रहा है, देखते हैं। और मौसम अच्छा है यार यहाँ पर तो, लत वगैरह बहुत ज़्यादा खुश है। आगे जाकर देखते हैं, यहाँ पर हर गाड़ी रुकता है भाई साहब, हर गाड़ी रुकता है यहाँ पर। क्या करूँ, निकल जाऊँगा। आओ देखते हैं, दो तीन महीने के बाद कुछ प्लान करूँगा हो सके तो। और ये थोड़ा छोटा सा व्यू दिखा दूँगा आप लोगों को यहाँ से। लोग सब यहाँ पर चास पास हो रहा था,
ये वाला रेस्टोरेंट है, लोग खा रहे हैं। और नीचे देखो ऐसे यहाँ पर सब्जी वगैरह का खेत है ये। बस